Hi everyone, very good morning. Hello and welcome to Goki Play. Goki Play में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. So today we're talking about 20 minutes of workout, the magic number for boosting immunity. 20 minute workout से immunity कैसे boost हो सकती है, इसका scientific reason हम समझेंगे. So people who are watching me live can comment and let me know if you're able to see me and hear me. अभी quiz खत्म हुआ है तो आप लोग comment करके बताइए कि कितने points आप लोगों को मिले हैं. How many points did you guys score? Comment and let me know the number of points you have scored and also comment and let me know if you're able to see and hear me. देख और सुन पा रहे हो तो भी comment करके बताइए. Okay, I can see many comments. Let me just scroll through. Hemlatha, Mukesh, Vani, Sagar, Kiran, Deepak, Prashant, Mrit, Monu, Siva, Abhishek, Saroha, Rahul, Rachna, Arul, Dr. Moin, Prashant, शैलाब, कृष्णा, अभिषेक, भुजबल, मायांक, अरुण, रघु, राकेश, गणश्रेयी, दत्तात्रेय. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू. विकास 50 पॉइंट्स, परेश 50 पॉइंट्स, राकेश 50, ज्योत्सना जी हेलो, सरोहा, गोपाल, ज्योत्सना, मनीष, अर्चना, सागर, राजीव, रेणु, नीना, मधु, सुदेश. Please update the technical team that unlike last time, this time after the quiz, everyone has to log out and back log in the audio mute. Okay, sure. I take it as a feedback and I'll definitely forward you to the tech team. In fact, they are aware of it and they are working to fix it and very soon it will be fixed. And once again, from my side also, I will convey it to them. Okay, so thank you so much for highlighting and showing your concern. We'll definitely look into it. Sri Pavan, hi, good morning. ओके गाइस, सो हाउ इज इट गोइंग विथ यू. क्विज स्टार्ट हो गए हैं, कितने क्विजेस खेल रहे हो आप एवरी डे, हाउ मेनी क्विजेस आर यू प्लेइंग, हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स सो फार. यू ऑल नो कि ये क्विजेस क्यों स्टार्ट किए गए हैं, राइट, फॉर टू बेसिक रीजंस, फॉर टू पर्पस. ओके, फर्स्ट इज कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नॉलेज बढ़े, बिकॉज इंटरनेट पे रैंडम मैसेजेस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें से कुछ जेन्युइन है और कुछ जेन्युइन नहीं है, राइट. तो इसीलिए एक ऑथेंटिक जगह से आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आप जब क्विज खेलते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, आपके COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में क्या मिथ्स है, क्या फैक्ट्स है, सारी चीज आपको समझ में आती है फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि वन स्टॉप फॉर एवरी थिंग यू हैव इट, लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन यू गेट इट फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, गो की प्ले. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कोचेस विद होम यू कैन वर्कआउट लाइव, है ना. सो एक पर्पज तो ये था कि इन्फॉर्मेशन आपको पास होंगे. सेकेंडली जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो पॉइंट्स आपके डोनेट होते हैं, एंड जो हमारे ब्रेव हार्ट से जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड जो ग्राउंड स्टाफ अभी भी काम कर रहा है, उनको मास्क डोनेट होंगे. आपके पॉइंट्स विल बी कन्वर्टेड, गुकी का टाइप है एनजीओ के साथ, उदय फाउंडेशन उनके साथ, तो वो आपके पॉइंट्स कन्वर्ट होते हैं मास्क में और डोनेट किए जाते हैं आपके पॉइंट्स के जरिए से, राइट. सो इसलिए स्टार्ट हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वारंटाइन बर्न चैलेंज चालू है जिसमें कि आपको वर्कआउट करना है कोच के साथ में एवरी डे, यू कैन अर्न 1 पॉइंट. 30 डे चैलेंज है ये, एंड द मोर ड्यूरेशन यू वॉच, अगर आप हर एक दिन में 1 पॉइंट अर्न कर सकते हो, 30 दिन में 3 पॉइंट होगा, 30 पॉइंट होगा, राइट. तो बाकी लोगों का भी 30 पॉइंट हो सकता है. सो वॉट इज द टाइम ब्रेकर, टाइम ब्रेकर इज कितना ज्यादा ड्यूरेशन आप वीडियो का देख रहे हो. इंस्टेड ऑफ वन यू कैन वॉच 2 वीडियोज टू गेट मोर ड्यूरेशन इन योर पॉकेट, राइट. 3 वीडियोज देखोगे, जितना ज्यादा देखोगे तो उतना ज्यादा आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा और उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस रहेंगे, गोकी कैश या फिर गोकी मर्चेंडाइज आप जीत सकते हो उससे,
राइट, और सिर्फ देखना नहीं है, वर्कआउट करना भी है। एंड यू कैन पोस्ट दैट पिक्चर्स या फिर वीडियोस इंस्टाग्राम पे एंड टैग गोकी लाइफ, तो आपको चांस मिलेगा गोकी के पेज में फीचर भी होने का, राइट। सो फैंटास्टिक, विद दिस आई थिंक वी शुड एंड द इंट्रो एंड स्टार्ट विद द क्लास। काफ़ी सारे और भी कॉमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर मनोज, प्रदीप जी, यू मोस्ट वेलकम। गुणेश रई जी, राजीव, अर्चना डिल्ला, उसको 350 पॉइंट्स विदाउट यूजिंग एप्पल, वेरी गुड, वेरी गुड अर्चना जी। निधि धीमान, गुड मॉर्निंग, 50 पॉइंट्स, वाह, वेरी गुड। So let us end the intro and start with the class now, so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. ठीक है, तब तक hearts भी press करते रहो guys. Okay, intro हो गया, and once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका Goki coach Tufel, और ये है मेरी class जिसका नाम है Get Fit with Tufel. So today we're talking about 20 minutes of workout, the magic number for boosting immunity. ये 20 minutes ही क्यों बोला गया? 15 नहीं, 30 नहीं, 45 नहीं, 1 hour नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 20 minutes ही क्यों बोला गया है? And what is the reason behind it and what is the science behind it कि 20 minutes workout आप करते हो तो कैसे वो immunity के लिए आपके फायदेमंद होता है, राइट। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद विल टॉक अबाउट कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम क्या होता है, और थर्ड इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है, एक्सरसाइज और इम्यून सिस्टम का कनेक्शन क्या होता है। और नेक्स्ट, इफ 20 मिनट्स ही क्यों बोला गया है कि व्हाई डू यू से कि 20 मिनट्स का वर्कआउट। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि 20 मिनट वर्कआउट तो कम से कम करो, तो क्यों 20 मिनट, ओके। सो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। गुणेश रई ने थम्स अप दिया है, वाह ग्रेट अर्चना जी, मेरे दो एप्पल यूज हो गए, अच्छा परफेक्ट। सो गाइस, हार्ट्स 507 हुआ है, सो वी कैन हिट मोर एंड मोर हार्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हार्ट्स ऑफ द क्लास। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट टू सी मोर हार्ट्स कमिंग इन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि वर्कआउट्स क्या होते हैं। वर्कआउट्स बहुत अलग अलग फॉर्म के आते हैं, होम वर्कआउट्स, जिम वर्कआउट्स, स्टूडियो वर्कआउट, फंक्शनल वर्कआउट, कोर वर्कआउट, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट, डांस वर्कआउट, बहुत सारे। बट कंसिडरिंग टूडेज सिचुएशन, जो लॉकडाउन है, जो क्वारंटाइन है, उसको देखते हुए हम सिर्फ होम वर्कआउट की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ होम वर्कआउट की ही हम बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑल द जिम्स आर शट, ऑल द क्लब हाउसेज आर शट, यू आर नॉट सपोज टू गो आउट। तो जो भी एक्सरसाइज और वर्कआउट्स करने हैं वो आपको घर के अंदर ही करने हैं। दैट इज द बेस्ट वे एंड दैट इज द सेफेस्ट वे टू एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज इज अ मस्ट। बहुत सारी चीजें होती है एक्सरसाइज करने से, राइट। तो एक्सरसाइज जो होता है, वर्कआउट जो होता है, ये बेसिकली किया जाता है कि आपके जॉइंट्स में, आपके बोन्स में और आपके मसल्स में मूवमेंट करवाने के लिए, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स विच मेक्स एनी काइंड ऑफ लाइक अलाउज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट टू योर मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी। एंड इफ द एक्टिविटी इज लिटिल इंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज। जैसे कि मैं पेन से कुछ लिख रहा हूँ बुक में, ठीक है, या फिर मैं वाटर बॉटल से पानी पी रहा हूँ, या फिर मैं चल रहा हूँ फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक एक्टिविटी बोली जाएगी, मैं इसको एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा। दिस इज अ फिजिकल एक्टिविटी, यू फिजिकली एक्टिव, यू मूविंग योर मसल्स, यू मूविंग योर जॉइंट्स, यू मूविंग योर बोन्स। आप पेन से लिख रहे हो तो आपका फोर आर्म मसल्स, आपका आर्म मसल एक्टिवेटेड है, आपका रिस्ट जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट वर्क कर रहा है। आप अगर वाटर बॉटल से पानी पी रहे हो तो आपका आर्म्स, आपका शोल्डर, आपका रिस्ट, बहुत सारे जॉइंट्स और बहुत सारे मसल्स आपके वर्क करते हैं। बट इंटेंसिटी इज वेरी लो। आपको कभी भी वाटर बॉटल से पानी पी के आप थक जाते हो क्या? अरे यार पानी पी के आज तो थक गया, नेवर हैपेंस, राइट। इसी तरह से आप अगर नॉर्मल चल रहे हो, थोड़ा 5 मिनट के लिए आप चल रहे हो, तो क्या आप बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस, बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग और बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी, आके आपको सोना पड़ रहा है थकान की वजह से, ऐसे कभी होता है? नहीं होता, बिकॉज दैट इज अ वेरी लो इंटेंसिटी, लीस्ट इंटेंसिटी होती है उसमें, बहुत ही बेसिक आपकी इंटेंसिटी होती है। बट येस, इट इज एन एक्टिविटी। आपने लिखने की एक्टिविटी की, आपने चलने की एक्टिविटी की, आपने पानी पीने की एक्टिविटी की, आपने लैपटॉप पे टाइपिंग की एक्टिविटी की, दिस ऑल आर एक्टिविटी। बट वंस यू लेवल अप, आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, देन इट कम्स अंडर एक्सरसाइज कैटेगरी। सो नेवर कंफ्यूज योर सेल्फ ऑफ द एक्टिव फॉर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक्टिविटी इज समथिंग वेरी लो इंटेंस, जिसमें आपको थकान नहीं हो रही है बट मूवमेंट भी हो रहा है। यू आर मूविंग योर बॉडी, यू आर मूविंग योर बॉडी पार्ट्स, इट इज एन एक्टिविटी, एक्टिव मूवमेंट है वो। वेर एज एक्सरसाइज इज अ लिटिल इंटेंस, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी में। तो जब भी आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो अपनी एक्टिविटी के, दैट इज कंसिडर्ड एज एन वर्कआउट और एन एक्सरसाइज। जैसे कि 5 मिनट आप वॉक कर रहे हो, अभी इसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओगे? या तो आप 20 मिनट वॉक कर लो, या फिर जो वॉकिंग आप कर रहे हो वो फास्ट स्पीड में करो, ठीक है। आप वाटर बॉटल उठा रहे हो, उसके बदले कुछ हैवी उठाओ, कुछ ऑब्जेक्ट, बॉक्स, डंबल्स, कुछ भी उठाओ, वो आपकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। बिकॉज वाटर बॉटल 1 लीटर की होगी, डंबल्स आपका 5 किलो का होगा, लेवल अप आपने किया, सो दैट इज एन एक्सरसाइज।
सो जब भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी इंक्रीजेस इट कम्स अंडर वर्कआउट कैटेगरी. वर्कआउट कैटेगरी अगेन मेनी फॉर्म्स. आप डांस कर रहे हो 15-20 मिनट आधा घंटा एक घंटा, आपकी बॉडी में बहुत बेसिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है बिकॉज डांस में आप वो म्यूजिक को मैच कर रहे हो, फ्लो को मैच कर रहे हो, बीट्स को मैच कर रहे हो, तो उसको मैच करने के लिए आप बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हो. तो दैट इज एन इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी जनरेट हुई, एज ए रिजल्ट वो आपका कार्डियो वर्कआउट हो जाएगा. आप स्क्वाट्स कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी वेट को आप नीचे लेके जा रहे हो, पूरी बॉडी वेट को ऊपर लेके जा रहे हो. पुशअप्स कर रहे हो, सेम चीज़, आप इंटेंसिटी ज़्यादा जनरेट कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एक बार बैठ के उठोगे तो आप नहीं थकोगे, है ना, कुर्सी पे हम बैठते और उठते, आप अभी अगर एक बार बैठ के उठोगे आप नहीं थकोगे, बट यही बैठने उठने को आप 10 बार करो या 20 बार करो तो आप थक जाओगे. क्यों? इंटेंसिटी जनरेट हुई. एक बार करने में बहुत कम इंटेंसिटी थी, 10 बार करने में ज्यादा इंटेंसिटी थी, 20 बार करने में और भी ज्यादा इंटेंसिटी, आपने लेवल अप किया इंटेंसिटी को. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग टायर्ड, यू आर गेटिंग ब्रेथलेस, यू आर फीलिंग पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इन द मसल. सो दैट इज एन एक्टिविटी, दैट इज एन वर्कआउट. प्लैंक होल्ड अगेन वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल. आप अगर प्लैंक होल्ड करो 5 सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं होगा, आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ट्राई करो, आपकी बॉडी शिवर करने लगेगी, पसीना आने लगेगा, थकान होने लगेगी, ब्रेथलेसनेस होने लगेगा, एग्जॉशन होने लगेगा. क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन आपने इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी आपकी बढ़ गई. 5 सेकंड में थकान नहीं हुई लेकिन 50 सेकंड में थकान हो गई बिकॉज ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया. सो व्हेनेवर यू इंक्रीज द ड्यूरेशन और स्पीड और रेपिटेशन ऑफ योर एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज अ वर्कआउट. ठीक है, वर्कआउट क्या है अगर इतना क्लियर हो गया है तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. नाउ अच्छा एनीवे सो 1500 पीपल लाइव विद अस एंड 1500 हार्ट. वाव, व्हाट अ सिंक, वेरी नाइस. बट हार्ट्स हमको और इंक्रीज करने हैं बहुत ज्यादा. विपिन जोश जी थम्स अप, अर्चना जी थम्स अप, वेरी नाइस वेरी नाइस. नीना पंजाबी जी थैंक यू फॉर द थम्स अप. ज्योत्सना जी, प्रदीप जी, मधु जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच. शुड वी प्रोसीड फर्दर, आर यू गाइस रेडी? ओके, सो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि वर्कआउट इज एनीथिंग विच एलिवेट्स योर हार्ट बीट, विच इंक्रीजेस योर बॉडी टेम्परेचर, विच इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, इस चीज से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इफ इट इज अ वर्कआउट और नॉट. हार्ट बीट बढ़ जाना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, दैट मीन्स कि आपका हार्ट तेजी से धड़क रहा है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, यू मे गेट अ लिटिल स्वेटी, स्वेट भी आपको आ सकता है, या फिर थोड़ा रेडनेस आ सकता है फेस पे, बॉडी पे, वो हो रहा है. ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो बॉडी पार्ट पे आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पे बढ़ गया है. तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उसको वर्कआउट बोल सकते हो. जैसे कि आप नेसेसरीली वर्कआउट नहीं कर रहे हो, नॉट नेसेसरीली वर्किंग आउट, बट मूविंग योर सोफा. ठीक है, आप सोफे को एक जगह से दूसरी जगह खींच के लेकर गए, आपने अपने बेडरूम से निकाल के उसको लिविंग रूम में लेकर आए, ये आपने एक्सरसाइज सोच के नहीं किया था, ये आपने एक एक्टिविटी की थी, बट ये करने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, इससे आपकी हार्ट बीट भी बढ़ गई, थोड़ा पसीना पसीना भी आप हो गए, और आपका सोफा घसीटने के बाद थोड़ा हाथ में आपको टाइटनेस फील हो रहा है. दिस विल बी कंसिडर्ड एज वर्कआउट. ठीक है, आपको अभी ये नहीं करना है कि वर्कआउट करने के लिए सोफे को अंदर बाहर करते रहो. नो, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. क्या आप बेसिक घर के काम में भी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपका वर्कआउट हो जाता है, जैसे कि मॉपिंग करना. मॉपिंग करना अगर खड़े रह के कर रहे हो या बैठ के आप कर रहे हो, तो पूरा घर आप अगर कर रहे हो तो देखोगे कि लोअर बैक में आपकी थोड़ी स्टिफनेस और टाइटनेस आ गई, हाथ और शोल्डर्स आपके थोड़े से टाइट हो गए, थोड़े से पंप हो गए, पसीना भी आ सकता है आपको, और आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है. दैट इज कंसिडर्ड एज वर्कआउट. एनीथिंग विच एलिवेट्स योर हार्ट बीट, एनीथिंग विच इंक्रीजेस योर बॉडी टेम्परेचर, विच इंक्रीजेस योर ब्लड सर्कुलेशन, जिससे पंप फीलिंग आता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वर्कआउट. सो देर आर मेनी मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट. घर के अंदर बॉडी वेट से या बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, स्ट्रेंथिंग वर्कआउट, कोर वर्कआउट, आप पिलाटेस कर सकते हो, डांस, जुम्बा, ये सारी, योगा भी कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो. ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्कआउट. ठीक है, और वर्कआउट के बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो मैंने मेरी पुरानी क्लासेस में भी बताए. आपको क्विक एक खाली रिविजन दे रहा हूँ उस चीज का कि आपका ओवरऑल ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू योर सेल्स विल इंक्रीज, बिकॉज ब्लड
ही कैरी करता है वो दोनों चीज़। आप जो खाना खाते हो तो वो खाने के पार्टिकल्स आपके सेल्स तक नहीं पहुंचते, वो आपके ब्लड में एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल ब्रेक डाउन होता है और सेल्स के ब्लड के थ्रू आपके सेल्स में पहुंचता है। जब ऑक्सीजन लेते हो तो हवा ट्रैवल होकर आपके सेल्स तक नहीं जाती है, वो आपके हार्ट में पहुंचती है और हार्ट ऑक्सीजन को ब्लड में डालता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। सो ये प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि खाना खा रहे हो तो आपकी राइस जो है वो फ्लोटिंग होते हुए मसल्स तक जाए, ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशनल पूरा ब्रेकडाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में सप्लाई किए जाते हैं, ऑक्सीजन आपका पूरा हार्ट पे जाता है एंड वो पंप किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन इट सप्लाइज और वो आपकी सेल्स फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। दिस इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, हैपन्स 24/7 अ डे, ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग आपकी हमेशा होती रहती है, करेक्ट। सो या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है जिससे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई आपके सेल्स तक का बॉडी तक का इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। एज अ रिजल्ट आपकी सेल्स आर नॉट डाइंग, सेल्स आर नॉट बिकमिंग अनहेल्दी, सेल्स आर नॉट बिकमिंग वीकर, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये सारे इश्यूज भी आपको कभी नहीं होंगे। आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, बिकॉज व्हेनेवर यू एक्सरसाइज नॉट ओनली योर मसल्स बट योर जॉइंट्स एंड योर बोन्स आर ऑल्सो एक्टिवेटेड। तो आपकी बोन्स की, जॉइंट्स की और मसल्स की तीनों की स्ट्रेंथनिंग होती है, आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपकी बॉडी रीशेप हो सकती है, वेदर यू वॉन्ट टू लूज वेट और यू वॉन्ट टू गेन मसल, यू वॉन्ट टू लूज फैट, एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है, बिकॉज when you exercise you go breathless, so you take in more oxygen। आप मैं normal bed की इतनी heavy breathing नहीं कर रहा हूँ, but अगर मैं running करते रहूँगा तो मैं बहुत heavy breathing करूँगा, that means I'm taking in more oxygen, my cells are craving for more oxygen। तो जब मैं ज़्यादा oxygen लेता हूँ तो आपके brain में भी ज़्यादा oxygen supply होता है, as a result आपकी brain functioning improve होती है। The resistance which you fight while working out also develops your mental strength। 6 repetition में आपको लग रहा है कि आप नहीं करना है, but still you go on for the 7th, 8th, 9th and 10th, तो इससे आपकी efficiency of the ब्रेन ऑल्सो इम्प्रूव एंड इंक्रीज, ऑर्गन फंक्शनिंग आपकी इम्प्रूव होती है एक्सरसाइज से। ये सब डिटेल में समझाया हुआ है, जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ दैट, आई होप इट्स क्लियर। इफ यस थम्स अप दे दो। नाउ विल टॉक अबाउट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है और बाद में उसको लिंक करेंगे कि कैसे 20 मिनट वर्कआउट हेल्प करेगा इम्यूनिटी के लिए। हाउ टू डू अ लेग प्रेस एट होम, सो लेग प्रेस के लिए आप इफ यू हैव किड्स, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके आप थोड़ा सा हाथ पकड़ के उनका ऑब्वियसली और उनको थोड़ा ऊपर और नीचे प्रेस पुश कर सकते हो, दैट विल हेल्प, ठीक है। उनका भी खेलना हो जाएगा, उनको भी झूला जैसे फीलिंग आ जाएगी और वो आप कर सकते हो। इफ नॉट दैट यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई बॉक्स आप रख सकते हो, बट मेक श्योर वेरी सेफ, या फिर किसी को ऐसा हाथ रखने बोलो सो दैट इट डजंट फॉल ऑन यू, तो वो रख के आप लोअर योर लेग डाउन एंड एक्सटेंड इट। लो रेजिस्टेंस बैंड अगर है तो फिर बहुत बढ़िया, आप रेजिस्टेंस बैंड पैर में फंसा के पुश और स्ट्रेट करो, वो आपको लेग प्रेस जैसा इफेक्ट देगा, ठीक है। अगर हैवी पिल्लोज है तो पिल्लो रख के भी आप कर सकते हो। सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन यूज टू डू लेग प्रेस एट होम। प्रदीप दिस इज श्योर, डेविड थम्स अप, किरण कुमार जी हेलो, विपिन जोस थम्स अप, ऑसम गाइस, थैंक यू। अर्चना जी थम्स अप, 17 इयर्स ओल्ड, ओके, तो काफी बड़े किड है, आपके टीनेजर है, राइट। तो आप बाकी ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि पिलो हो गया या फिर बॉक्स हो गया कुछ अगर है, या फिर आप आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो बहुत बढ़िया, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी चेयर है, ठीक है, तो चेयर पे आप पैर ऐसे फंसा दो, किसी को आपने 17 ईयर ओल्ड को आप उस पर बैठने बोलो, बट मेक श्योर कि आप उसको ढकेल के गिरा ना दो, कोई ऐसे वॉल के पास ऐसे सपोर्ट लेके सेफ्टी तरीके से आप उसको थोड़ा ऊपर पुश और नीचे थोड़ा नीचे, या फिर चेयर के ऊपर कोई बॉक्स ऐसा कुछ रख के आप पुश एंड फोल्ड करो, तो जिससे आपको लेग प्रेस जैसा ही मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, वो आप कर सकते हो। प्लीज शो वर्कआउट फॉर लेग एंड पेल्विक, श्योर आई विल डेफिनेटली शो इन माय नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। रेनू जी थम्स अप, ओके ग्रेट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इम्यूनिटी, द ओनली वर्ड विच कीप्स यू अलाइव, ऐसे भी आप बोलोगे तो भी चलेगा, वरना जैसे कंट्री में अगर सोल्जर्स नहीं रहेंगे तो कंट्री की हालत खराब हो जाएगी, बाहर से कोई भी अंदर आ रहा है, कोई भी आके कंट्री को डैमेज कर रहा है, कंट्री के लोगों को डैमेज कर रहा है, कंट्री की चीजों को डैमेज कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट हो या चाहे वो कोई भी हो। इफ यू डोंट हैव एनी सेल्फ डिफेंस सिस्टम फॉर यू फॉर योर कंट्री, एनीवन कैन एंटर, एनीवन कैन हार्म योर कंट्री एंड पीपल इन द कंट्री, राइट। इसीलिए बॉर्डर पे सोल्जर्स होते हैं टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट अवर कंट्री, कोई अंदर आने ना पाए, अगर कोई अंदर आ भी जाता है तो फिर उसको मार गिराते हैं, दैट इज दैट्स वॉट मिलिट्री डज एंड अवर सोल्जर्स डज, राइट, ठीक है। ये हो गया एज अ होल कंट्री, वॉट एज अ पर्सन प्रोटेक्ट्स यू, दैट इज योर इम्यूनिटी, ठीक है।
बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स विच वी कैनॉट सी विथ अवर नेकेड आई. अभी मेरे सामने अगर सोफा है, चेयर है, फैन है, टेबल है, टीवी है, फोन है, ये मेरे को दिख रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें माई आईज कैन रिकोगनाइज इट. बट यहाँ पे इस दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे छोटे पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते. एंड व्हेन आई से पार्टिकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं. दोज कुड बी गुड बैक्टीरियाज, देर आर गुड बैक्टीरियाज विच आर हेल्पफुल फॉर द स्किन, फॉर द ऑर्गन्स. अगर अंदर इनहेल करते हैं गट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, राइट, दोज आर गुड. बट ऑल्सो देर आर बैड बैक्टीरियाज, देर आर बैड जर्म्स, देर आर बैड वायरसेस, पैथोजेंस, कार्सिनोजेंस, बहुत सारी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है. अब आप उसको देख ही नहीं सकते तो उससे प्रोटेक्ट और प्रिवेंट कैसे कर रहे हो. आप अगर एक सांस भी ले रहे हो तो कितने ऑर्गन्स, कितने ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. आप अगर चल रहे हो, फिर रहे हो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे, अपने हाथ, जैसे आपने सोफे पे हाथ लगाया तो हाथ लगाया आपको धूल मिट्टी दिख रही है, बट उस धूल मिट्टी के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितने जर्म्स है, यू कैन नॉट सी दैट. आपकी प्लेट जिसमें आप खाना खाते हो, या फिर आपके किचन में, या फिर आपके बाहर कहीं जा रहे हो, या हवा में कितने जर्म्स है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. वी हैव नो आइडिया अबाउट इट बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट. इसका मतलब क्या, आपने आपको एक चादर में लपेट लो, बाहर निकलो ही मत, या प्लास्टिक में लपेट लो, बाहर ही मत निकलो, सेफ रहोगे? नो, ऐसा नहीं है ना. यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू, वो कम्युनिकेशन होता ही रहेगा, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. आपकी कंट्री को टेररिस्ट से बचाना है, इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री मतलब कि बाकी कंट्रीज को शट डाउन कर दो, या बाकी कंट्रीज, ऐसे आप नहीं कर सकते. यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, राइट. यू कैन नॉट कंट्रोल द रेनफॉल. बारिश होना नहीं होना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय ओपनिंग एन अम्ब्रेला और बाय वेयरिंग अ रेन सूट, है ना. रेन पे आपका कंट्रोल नहीं, आप खुद के छाते को ले सकते हो या फिर आप अपने रेन सूट को ले सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसीलिए आप वो जर्म्स वगैरह का कुछ नहीं कर पाओगे. यस, देर आर थिंग्स जो जर्म्स, बैक्टीरिया, आपके क्लीनलीनेस, घर में हाइजीन है, वो तो करना ही है, बट दिन भर फिर भी हवा से आता रहेगा तो वो क्या करोगे? यू डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, बट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर बॉडी, ओवर योर इम्यूनिटी, कि आपके वो जर्म्स जो है बाहर घूम रहे हैं, कहीं पे भी है, वो बॉडी में अंदर ना आने पाए. और अगर अंदर आ भी जाए तो आपका कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए और आपकी बॉडी उसको फाइट ऑफ करे. ये काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम. आपकी बॉडी में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो होती है वो हील करने का काम हमारे इम्यून सिस्टम का होता है. अगर आपको छोटा सा एक कट आ गया फिंगर में, या आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई, ये आपकी हीलिंग और रिकवरी का काम आपकी इम्यूनिटी का ही होता है. और ये आपका इस पर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, इट हैपन्स इनवॉलंटरी. आपको फॉर एग्जाम्पल फिंगर पे कट आया तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं करना होता उसको हील करने के लिए. आप अगर उसको कुछ नहीं भी करोगे तो भी आप देखोगे कि एक दो तीन दिन में वो खुद ब खुद हील होने लगेगा, उस पर ब्लैक स्कार आ जाएगा, फिर वो स्कार भी चला जाएगा धीरे धीरे, इट विल बिकम नॉर्मल. ठीक है, आपको किसी कुछ भी चोट लगती है, कुछ लगता है, आपको करना चाहिए प्रिकॉशनरी मेजर वगैरह, आइसिंग वगैरह सब चीज़ करना चाहिए, अग्रीड. बट देर आर पीपल हु कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द फिजियो, हु कैन नॉट डू अफोर्ड टू गो टू द डॉक्टर्स, बट स्टिल उनकी बॉडी हील होती है. कैसे होती है? ये होती है हमारी इम्यूनिटी की वजह से. हमारा इम्यून सिस्टम इज सो 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 स्ट्रांग. रात में आप, छोटा सा एग्जांपल, रात में आप जब सोते हो, सुबह में जब उठते हो, तो आपका माउथ स्टिंक करता है, आपकी आंखों में कचरा होता है. क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी क्लेंजिंग कर रही है. ये इम्यून सिस्टम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सो दैट बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाए. योर यूरिन इज डार्कर एंड वार्मर. व्हाई? बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स, ताकि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे और प्रॉपर उसका उसकी जो स्ट्रेंथन रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे. राइट, क्या आप रात में सोच के सोते हो या अलार्म लगा के सोते हो कि रात में 3 बजे मेरी बॉडी को क्लींजिंग करना है? यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, बॉडी डज इट फॉर इटसेल्फ. राइट, ये इनवॉलेंट्रीली होता है. वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारा इनवॉलेंट्रीली हमेशा काम करता रहता है. 20